दोस्तों ये पंडाल बनाया गया है धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम के लिए, बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम के लिए पंडाल बनाया गया है। काफ़ी बड़ा पंडाल है, आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे 3 पंडाल बनाए गए हैं बड़े बड़े, और बारिश का मौसम है लेकिन इसमें जिस तरीके से ये बनाया गया है इसमें बारिश से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बारिश या तूफान से। आप देख सकते हैं कि ये इसमें जो पंडाल के ऊपर छत बनाई गई है वो प्रॉपर एंगल से बनाई गई है और इसमें बारिश से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे 3 पंडाल बनाए गए हैं बड़े बड़े, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। दूसरा पंडाल बनाया गया है, सामने जो ये छोटे छोटे पंडाल दिख रहे हैं आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पर भंडारा कार्यक्रम 10 दिन तक चलेगा ऐसा लोगों ने बताया है। और विशाल पंडाल है, यहाँ पर ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया गया है आयोजकों की तरफ से। आप यहाँ आने के लिए मेट्रो से भी आ सकते हैं, पास में ही डिपो मेट्रो स्टेशन है, ग्रेटर नोएडा का डिपो मेट्रो स्टेशन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंगें दिख रही हैं, यह यूनिटेक की सोसाइटी है। बस भाई साहब, दोस्तों आप यहाँ पर मेट्रो से भी आ सकते हैं और इसके अलावा आप अपने खुद के वाहन कार से आ सकते हैं। और परी चौक से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा ये ओमिक्रॉन का 3rd सेक्टर। और अब जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी आ चुके हैं, इस समय मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी आ गए हैं, काफ़ी गहमा गहमी है, आप देखें सुरक्षा कर्मी इनके साथ चल रहे हैं। और आप अभी लाइव देख रहे हैं यहाँ पर। कलश यात्रा निकाली जा रही है, वो आ रहे हैं ना, कौन कह रहा है, हटाने जा रहे हैं ये।
विशाल कलश यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, विशाल कलश यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। लोगों का जोश अपनी पूरी उमंग में है। महिलाएं बड़े जोर शोर से यहाँ पर शामिल हो रही हैं। अरे पंडित जी कब आएंगे, कल आएंगे? अभी किसी ने मुझे बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, पंडित जी कल आएंगे, तो सिर्फ कलश यात्रा आज निकाली जा रही है। लेकिन जबरदस्त बेहतरीन व्यवस्था लोग आयोजकों के द्वारा की गई है। ये ओमिक्रॉन थर्ड सेक्टर है, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो बिल्डिंग है आप यहाँ से देख रहे हैं, इसके पास में है। और यहाँ पर बहुत सारे बिल्डर्स की सोसाइटी हैं। डिपो मेट्रो स्टेशन है, जो ग्रेटर नोएडा का लास्ट अंतिम मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ पर कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है, भंडारे की पर्याप्त व्यवस्था है, और जो सेट्स बनाए गए हैं, मंडप पंडाल बनाए गए हैं जहाँ पर कथा करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और बारिश से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा कीचड़ हो सकता है, देखिए आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी है, यहाँ पर कीचड़ हो सकता है। और कितनी विशाल है इन कलश यात्रा, कितनी विशाल है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लोग बंद ही नहीं हो रहे, आए जा रहे हैं बस लोग। तो भाई मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, मेरी गाड़ी तो फंस गई ऐसा लग रहा है, ये देखिए। अब कैसे निकालूंगा मैं पता नहीं। ज़्यादा लोग हैं, मैं तो यही देख रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रही है लाइन, ख़त्म ही नहीं हो रही है, आए जा रही है। थोड़ा क्षेत्र वैसे में होता ना, हाँ सही कह रहा हूँ, गाँव में जन जन बच्चा भी नहीं, तो हर घर से जितने भी सब आया। मतलब इतनी तो उम्मीद नहीं थी मुझे कि मतलब इतने लोग आ सकते हैं। हाँ अभी आए जा रहे, बता तो रहा हूँ मैं।
हाँ पूरा ग्राउंड हो जाएगा। और बारिश से काम बिगाड़ दिया थोड़ा, कीचड़ यहाँ पर हो गया है और थोड़ा दिक्कत यही है कि अगर बारिश होगा तो कीचड़ होगा यहाँ पर, और तो कोई दिक्कत। पंडाल तो बहुत ज़बरदस्त बनाया है, बहुत बहुत बढ़िया। बारिश से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आराम से बैठेंगे। कितनी भी बारिश हो कोई दिक्कत नहीं है। और तुम कितनी ढाई तीन लाख है कितना है बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा। आप कहाँ जाए? आप कहाँ? अच्छा इलाहाबाद जाए आप? इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद गाँव में फेस्टू के पास। अच्छा अच्छा ओके, फेस्टू के पास। अपने क्रश पर नाम लिख के लेते हैं। Hey!